नमस्कार बंधु बान्धवी कल दीपक बी आर एम जि डबल एस आसाम यूट्यूब चेनेल तो सकुके स्वागत जानसो बंधु बान्धवी कल आज आम भिडिओ आलोचना ऊल्स आपनलोर जइनिंग के हम आपनलोर सेलारी कि हम और ये सकोबे के लाभ विस्तृत भावे आपनलोगे जानव पड़े भिडिओ तो शेष लेकिन गति के भिडिओ आपलोल चाय थोड़ा बंधु बान्धवी जो चेनेल प्रथम आज चेनेल लाइक कर दूर भिडिओ शेयर कर दी नपहर और बंधु बान्धवी कल जो प्रथम आज चेनेल सब्सक्राइब कर बेल आइकन अल कर प्रेस कर दुनिया खबर भी आपलोल सुंदर भावे अपडेट उद्देश्य है। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु जो इस भारत देश में चौथा स्तंभ है, जो देश के समाज के सभी लोगों तक उनकी सही मुद्दा तक आप पहुंचाने काम करते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में आज रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकृत उद्घाटन समारोह है, इसमें जो आप उपस्थित हुए हैं मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारी संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ विगत 1998 से रेलवे माल गोदाम में कार्यरत मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आते हैं। 1998 में हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी ने पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम के श्रमिकों को पैदल चल चल करके उनको इस बात का एहसास दिलाया कि तुम वो इस रेल निर्माता और देश के सबसे बड़े कमाऊ पुत्र हो, जो रेलवे की 1 रुपये में 70 पैसे की आमदनी जो होती है वो तुम्हारे लोडिंग अनलोडिंग करके जो पूरे देश के कोने कोने तक में जो लाखों टन माल पहुँचाया जाता है वो तुम्हारे कारण होता है, तुम अपने हक अधिकार के लिए जगो संघर्ष करो। और ये संगठन हमारी जब हमारी पहली त्रिपक्षीय बैठक कैबिनेट भारत सरकार की हुई उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को रेलवे द्वारा उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का घोषणा किया गया, और आज लगभग सभी माल गोदाम में जो जो माल गोदाम बचे हुए हैं उन सभी जगह मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की शासनकाल में श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा जी थे, हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि जो हमारा श्रम कानून है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि रेलवे माल गोदाम के श्रमिक की तरह और भी जो श्रमिक हैं उनको उनका हक अधिकार उनको प्राप्त हो सके, जिस तरीके से वो अपने काम के द्वारा देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जब 44 श्रम कानून को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाया जा रहा था उस समय हमारी संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने लगातार श्रम मंत्रालय में श्रम मंत्री के साथ बैठक कर करके इन रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उसमें इंपेलेंट कराने का काम किया, और जब ये 44 श्रम 4 लेबर कोड देश के दोनों सदन से पास होकर के आ गया तब 23 मार्च 2021 को हमारी सबसे महत्वपूर्ण बैठक श्री संतोष कुमार गंगवार जी की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय बैठक हुई, और बैठक में हमने 13 मांग रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के समक्ष सरकार के समक्ष रखा कि इन मजदूरों को जिस तरह से FCI को जिस तरह से पार्सल पोर्टर को जिस तरह से कोयला खदान के श्रमिकों को भारत सरकार करने का काम किया जाए। जी आज अलीगढ़ में क्या अलीगढ़ में हम आए हैं कि हमारा जो उस बैठक में हुआ कि सभी माल गोदाम के मजदूरों का पंजीकरण करा करके इनका डाटाबेस अवेलेबल कराया जाए कि पूरे देश में कितने मजदूर हैं और उसके अनुसार उनकी जो स्वीकृत मांग है उन तक उनको लाभान्वित कराया जाए। तो आज अलीगढ़ माल गोदाम से हमारा पंजीकरण उद्घाटन समारोह है, कल से यहाँ पंजीकरण सभी मजदूरों का श्रम रोजगार मंत्रालय की तरफ से शुरुआत होगा, उसका उद्घाटन करने के लिए हम आए। जी लंबे समय से जो आपके श्रमिक संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं बतौर, तो ये इनकी परमानेंट होने की कोई तिथि है अभी तक कोई समय निर्धारित? हम सरकार से सबसे पहले ये मांग किए हैं, अभी 9 तारीख को हमारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके त्रिपाठी जी के साथ हमारी बैठक थी और श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी के साथ हम बैठक करके दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, और हमने सरकार के समक्ष कहा कि सबसे पहले इन मजदूरों का रेट मजदूरी रेट फिक्सेशन किया जाए, क्योंकि हर जगह माल गोदाम में मजदूर शोषण का शिकार हो रहे हैं, कहीं पर 50 किलो वजन उठाने का 1.5 रुपया मिलता है, कहीं 2 रुपया मिलता है, इतनी स्थिति खराब है कि कहीं 75 पैसा मिलता है। तो पहले तो आप इसका मजदूरी का रेट फिक्सेशन करें, अगर 50-40 किलो वजन उठाने का आपने कूली को ए कैटेगरी के स्टेशन में 120 रुपया, बी कैटेगरी के स्टेशन में 80 रुपया और सी कैटेगरी स्टेशन में आपने 60 रुपया निर्धारण किया है, तो आप बताइए कि 50 किलो का जो सीमेंट का बोरा है, खाद की बोरी है, कोयला का लोडिंग है, आयरन की लोडिंग है,
दिन रात जो काम करता हो और आपको रेलवे का 1 रुपया में 70 पैसे की आमदनी देने का काम करता हो और ऐसे मजदूर को आज की स्थिति में 1 से 1.5 रुपया प्राप्त होता है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमको अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने इसकी पॉलिसी बना करके इन मजदूरों को बेहतर से बेहतर सबसे पहले रेट फिक्सेशन करने का काम करेगी और रेट फिक्सेशन करने के बाद वो कंसाइनर के लोडिंग अनलोडिंग का पैसा उन जाएगा और सीधा रेलवे के द्वारा इन सभी को प्राप्त होगा, ताकि रेल को भी प्राप्त पता चले कि ये कितने कमाओ पुत्र हैं। सबसे पहले मैं इस देश को दिखाना चाहता हूँ कि हमारा मजदूर जो है उसको अगर 10 से 15 रुपया प्रति बोरा भी फाइनल होता है तो उसकी कितनी मजदूरी महीना में बनती है, तब उसके अनुसार इसका वेतनमान फाइनल किया जाए। तो इस विषय को लेकर के हमारी बैठक है और मार्च में हमें पुनः एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन करना है। उसके लिए माननीय भूपेंद्र यादव जी से पहले बैठक होकर के तय किया गया है और उस बैठक में ये सभी प्रस्ताव हमारे पारित होंगे और सरकार हमारी मांग के साथ रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के साथ मुझे पूरी तरह से उनका समर्थन प्राप्त हो रहा है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है, इसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ।